उसमें वो मल्टीलेटरलिज्म और एक इंटरनेशनल वजह से वो रस्ता हमवार हुआ। इलाकाई और बैन अलाक्वामी खबरों पर इन डेप्थ एनालिसिस सुनिए और देखिए प्रोग्राम हम कदम बराहे रास्त। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम हम कदम के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाजिर खिदमत है। FM 98 दोस्ती चैनल से प्रोग्राम बराहे रास्त आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आज अब आलमी सतह पर जो अफरात ज़र है उसकी बढ़ती सूरत हाल पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो रसद और तलब का एक तवाज़ुन है उसमें खासा बिगाड़ दिखाई दे रहा है। एक तो यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा है, अब इस तनाज़े को मज़ीद हवा देने की जो कोशिश है उससे पूरी दुनिया पर जो बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और मज़ीद होंगे, किन नतायज की जानिब हम बढ़ रहे हैं, कौन से मुतवक्के नतायज हैं जो दुनिया को बुरी तरह से मुतासर करेंगे। आप जानते हैं उससे पहले कोविड से अभी बमुश्किल दुनिया अपनी मईशत को कहीं बेहतर करने की जानिब बढ़ रही है। बाज़ ममालिक हैं जो चाहते हैं कि जो कोविड 19 के नुकसानात हैं उनका इजाला किया जा सके, लेकिन ये तो कोविड से भी बड़े मसाइल की जानिब हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, ताकतवर ममालिक की अगर हम बात करें तो उनका अपना हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। अगर हम अमरीका की बात करें तो वहाँ पर भी अफरात ज़र की जो पिछली चार दहाइयों की एक सूरत हाल है वो नाकाबिल यकीन है। एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है वहाँ पे, क्या वजह है और उस पर काबू पाने की भी कोई खास हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है। उस हवाले से कोई खास अहम स्टेप्स भी नहीं लिए जा रहे। अच्छा, फिर उसके असरात आप जानते हैं कि बाकी दुनिया पर भी पड़ते हैं, क्योंकि बड़ी मीशतें अगर अफरात ज़र के हवाले से या माशी जबोहाली का शिकार होंगी तो बाकी जो छोटे ममालिक हैं, तरक्की पजीर हैं, पसमानदा ममालिक हैं, ज़ाहरी बात है उससे ज़्यादा मुतासर होंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद फ़याज़ कियानी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, आलमी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कियानी साहब, खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। कियानी साहब, बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा। अफरात ज़र इन्फ्लेशन के हवाले से देख रहे हैं कि इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कई अहम जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया हैं इंसानी जिंदगी के लिए, वो जैसे फील हो रहा है कि नापैद होती चली जा रही हैं। क्या बुनियादी वजूहात क्या हैं, बड़े ममालिक का इसमें अमल दखल है या वो खुद भी मुतासरीन में से शामिल है, तो वजह क्या है बेसिकली? जी बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। देखें, गुजारिश ये है कि पिछले कोई दो तीन साल से आप देखें कि पूरी दुनिया में जो मुआशी सरगर्मियां हैं बहुत मांद पड़ी हैं और जो अफरात ज़र है उसमें तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि जो पसमानदा ममालिक हैं उनकी तो आप बात ही छोड़ दें, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं और जो यहाँ तक के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो यूरोपियन यूनियन देख लें आप, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका की सूरत हाल आप देख लें, तो वहाँ पे भी जो अफरात ज़र की शरह है वो बहुत बुलंद हो रही है। बल्कि आप ये देखें कि अमरीका की अगर हम बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो अफरात ज़र की शरह है वो तकरीबन पिछली चार दहाइयों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर चली गई है और 1981 के बाद अमरीका में अफरात ज़र यानी महंगाई की जो शरह है वो 8.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। तो जी जी, और इसकी जो बुनियादी जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें जो बिलखसूस अगर आप बड़ी मईशतों का हम जिक्र करें जिस तरह अमरीका की आप बात करते हैं तो उसमें आप देखें कि जो अमरीकी जो साबिक इंतजामिया थी, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जो पॉलिसी रही है बिलखसूस जो चीन के मामले में, आपको मालूम है कि अमेरिका अगर दुनिया की बड़ी मईशत है, सबसे बड़ी मईशत है, तो चीन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी मईशत है। और अगर इन दोनों ममालिक की जो तजारत है या जो उनकी जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो अगर उनमें कोई इम्बैलेंस आ जाएगा, अदम तवाजुन आ जाएगा, रुकावटें आ जाएंगी, बैरियर आ जाएंगे, तो इसका असर जो है वो तमाम दुनिया की जो मईशतें हैं उन पर पड़ेगा। अच्छा, और यही वजह है कि अमरीकी जो साबिक इंतजामिया थी डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने जब चीन के साथ जो तजारती जंग छेड़ी तो उसमें जो बिलखसूस जो चीन की जो दरामदी अशिया थी उन पर जो महसूलात लगाते गए और उसका बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि अमरीका के अंदर जो है वो अफरात ज़र जो है वो तेजी से बढ़ने लगा और वहां पे महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। इसके बाद अब आप देखते हैं कि 2020 और 21 में जब कोविड 19 ने रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी
और फिर इसके बाद फिर एक और बड़ी अहम वजह जो है जो जिससे पूरी दुनिया में जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो मुतासिर हो रही हैं और वो है तेल की कीमतों में इजाफा। अच्छा, तेल की कीमतों में जो इजाफा है इसका जो एक जो बड़ा जो सबब है मैं समझता हूँ कि वो जो खत्ते में जो एक फरवरी गुज़श्ता फरवरी से जो एक जंग जो छिड़ी है, जो तनाज़ा शुरू हुआ है, जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग छिड़ी है उसकी वजह से आपको मालूम है कि जो रूस जो है वो दुनिया के एक बड़े उन बड़े ममालिक में शामिल है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो दरामद करता है सप्लाई करता है। तो चूंकि इस जंग की वजह से जो है वो ये फिर चूंकि आपको मालूम है कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा और दीगर यूरोपियन यूनियन के ममालिक ने रूस के ऊपर मुख्तलिफ तरह की इक्तसादी पाबंदियां भी आयद कर दी और फिर जवाबी इकदाम के तौर पर रूस ने भी फिर जवाबी इकदाम किए और इसकी बुनियादी वजह यही है कि फिर पेट्रोलियम की कीमतें जो है उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता रहा और अब इसी वजह से न सिर्फ अमरीकी मईशत बल्कि मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन में भी यही हाल है, बरतानिया, कैनेडा और जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक और जो पसमानदा ममालिक हैं उनमें तो हालात बहुत ही नागुफ्ताबे हैं। जी कैंग साहब, आपने रशिया की बात की है, अमरीका और कुछ उसके हामी ममालिक हैं वो रशिया की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, माशा का अल्फाज में कह रहे हैं, लेकिन बिलवास्ता तौर पे तो वो अपने हामियों, अपने इतिहादियों या यूरोपियन जो मईशत है उसको भी बुरी तरह जो है वो दलदल में धकेल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि आपको मालूम है कि जो रूस की जितने भी जो बरामदात हैं बिलखसूस जो जो ज़रई अजनास हैं और फिर इसके अलावा जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं वो ज़्यादातर जो है वो यूरोपियन ममालिक और यूरोपियन यूनियन के ममालिक को जाती थी और यही वजह है कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन में भी अफरातेज़ार जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ये जो तनाज़ा जो इस वक्त जारी है और इसको आप देखें कि ये फरवरी के मेरा ख्याल है तीसरे हफ्ते में ये शुरू हुआ था और आप देखें कि अभी अप्रैल का महीना भी अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा है और ये तनाज़ा जो है ये अभी तक इसका कोई ना ही तो कोई मज़ीद बढ़ता जा रहा है, क्या ये बढ़ता जा रहा है और उसकी बुनियादी मैं ये समझता हूँ वजह जो है वो ये है कि जो बड़े ममालिक बिलखसूस जो इस वक्त जो अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनका एक ये एक कलीदी रोल बनता है कि उनको चाहिए कि वो इस मामले को किसी न किसी तरीके से हल करने की जानिब कोई अमली तौर पर कोई ठोस इकदाम की तरफ वो आए। अच्छा, हालांकि इसमें आप देखें कि जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ यानी जो है वो मंजर पेश कर रही है। अब आप ये देखें कि जो अमरीकी आवाम जो है वो एक तो महंगाई की वजह से परेशान है ही है और वहां पे आपको मालूम है कि जो सूरत हाल है महंगाई की वो खासी जो है वो परेशान अगर इसकी वजाहत हो जाए कि अमरीका में बढ़ती महंगाई की क्या वजह है। देखिए उसमें जो मैंने इब्तदा में दो तीन बातें आपको, एक तो जो ट्रंप इंतजामिया की तरफ से जो इकदाम किए गए थे चीन की जो दरामदी महसूलात थे उनमें इजाफा करने की वजह से जो हुआ उसका असर पड़ा और इसके बाद फिर कोविड 19 की वजह से वहां पे जो लॉकडाउन की पोजीशन रही और उसकी वजह से जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो बुरी तरह अमरीका में मुतासर हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रही सही कसर है वो रूस और यूक्रेन के तनाजे ने जो है वो पूरी कर दी है और यही वजह है कि 1981 के बाद वहां पर हम जो इन्फ्लेशन की शरह है वो 8.5% तक पहुंच गई। यानी आप ये देखें, आप ये फरमा रहे हैं कि इतनी बड़ी मईशत है लेकिन आप समझते हैं कि वहां हिकमत अमली का फुकदान है, पॉलिसीज में जो है कुछ बिगाड़ है कि जिस वजह से इतनी बड़ी मईशत जो है वो मसाइल से दो चार है। यकीनी तौर पर इसमें जो पॉलिसी के मामलात हैं उनकी वजह से अमरीकी मईशत जो है वो सुस्तरवी का शिकार हुई है और वहां पर जो है वो अफरातेज़ार में इजाफा हुआ है। वहां की सूरत हाल ये है, अब आप देखें कि अगर आप अमरीकी मीडिया को भी का भी जायजा लें और मैंने कुछ अमरीकी मीडिया को भी देखा और वहां पे सूरत हाल ये है कि जो अशियाए जरूरत है और इसके अलावा जो
घर हैं, गाड़ियां हैं, अद्वियात है, फर्नीचर है, इनकी कीमतों में इसी एक 12 महीने के दौरान में बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो देखने में आया है। और इसमें आप ये समझ लें कि जो फर्नीचर और मलबूसात की कीमतें हैं उनमें भी 14% से ज्यादा इजाफा हुआ है वहां पर, और जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों हैं उनकी कीमत में तकरीबन 35% इजाफा जो हुआ है, और इसी तरह जो नए घर हैं इनकी जो खरीदारी है उसमें भी औसतन जो है वो एक घर में अगर जो है वो तकरीबन कोई $70,000 के करीब जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि अमरीका में बहुत से लोग जो सार्फीन हैं जो नए घर खरीदना चाहते थे वो इस वक्त बहुत ही परेशानी का शिकार हैं और वो नए घर जो है वो लेने की पोजीशन में तो मौजूदा। अच्छा, अब इसमें जी आपने जो पूछा था कि जो वजूहात और पॉलिसी मामलात जो है ये इसमें एक बड़ी वजह जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो चीन के साथ जो माजाराई तजारत के मैदान में जो अमेरिका की तरफ से हुई है उसमें एक तो बहुत उसका बहुत ज्यादा अमल दखल है, और इस तजारती कशीदगी की वजह से जब चीन की से जो दरामद होने वाली जो अशिया थी उन पर जब महसूलात में इजाफा किया गया तो उसका नतीजा जो है वो महंगाई की सूरत में जो अमरीकी जो सार्फीन है उनको भुगतना पड़ा। लेकिन क्या सर, अमरीकी हिकमत अमली तो ये थी कि चीन को टफ टाइम दिया जाए, इनकी मईशत को या जो जो रफ्तार है उसको कम किया जाए, ये तो मामला उलट हो गया और अपनी जो है मईशत को खतरा से दो चार कर बैठे। जी बिल्कुल, यही बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें जो माहिरीन इक्तसादियात हैं उनका एक खदशा ये भी है कि महंगाई की वजह से आपको मालूम है कि जो वहाँ पे जो कारकुन हैं, जो मजदूर हैं, जो उजरत पर लोग काम करते हैं वो जो है वो ज्यादा उजरत और मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो फिर अपनी मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर रही हैं जिससे मुमकिन तौर पर जो है वो महंगाई जो है वो मजीद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और उसमें दूसरा जो अहम जो पहलू है उसकी वो ये है कि उसमें आप देखें कि जो तलब और रसद है उसमें अदम तवाजन की वजह से अमरीका में अफरातजार में ज्यादा इजाफा हुआ है। जो तलब है उसके मुताबिक रसद, चूंकि अब आप देखें ना कि जो आलमी सप्लाई चैन है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर और बिलखसूस जो इस वक्त एक रूस यूक्रेन तनाजे की वजह से जो सप्लाई चैन है उस में खलल वाकई हुआ है, और इसकी वजह से तलब जो है वो बढ़ गई है अशिया की, और रसद है उसके मुताबिक तलब के मुताबिक वो पूरी नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से अशिया की कीमतें जब आपको मालूम है कि जब डिमांड बढ़ जाती है और उसके मुकाबले में रसद कम हो जाती है तो फिर अशिया की कीमतें जो है वो बढ़ती हैं। और इस पर काबू पाने के लिए जो है वो मौजूदा जो अमरीकी सदर बाइडन की जो इंतजामिया है उन्होंने अगरचे वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो महंगाई पर काबू पाने की कोशिश की जाए, और ये जो महंगाई इस वक्त अमेरिका में है इसका जो इसके जो असरात हैं वो इवन यहाँ तक कि खुद अमरीकी इंतजामिया और व्हाइट हाउस तक भी महसूस किए गए हैं, और वो इसका इदराक भी करते हैं और उनका इतराफ भी करते हैं कि अमरीका में महंगाई की शरह जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है और आवाम को रिलीफ की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि रिलीफ उन्होंने कोशिश ये की है कि एक तो आपको मालूम है कि जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो पेट्रोलियम कि वहां तक जो रसद है वो मुमकिन नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से उनके पास एक जो रिजर्व कोटा है पेट्रोल का वो हालांकि बहुत ही इंतहाई हंगामी और इमरजेंसी नौयत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां तक कि अमरीकी सदर ने वो ऑप्शन भी इस्तेमाल किया है और वहां उस इंतहाई जो रिजर्व कोटे को भी इस्तेमाल में लाया गया है। इसके अलावा जो सप्लाई और चैन सप्लाई का जो पूरा एक निजाम है अमरीका के अंदर भी उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे जो महंगाई के असर हैं वो कम जो है वो नहीं हो रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि मुतबादल जो रास्ते हैं उन पे तवज्जो दी जा रही है, चीन के हवाले से चीनी मसनूआत पे जो महसूलात में इजाफा है या यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उस हवाले से अमरीकी जो पॉलिसी है वो उस पर कारबंद है बदस्तूर। मैं ये समझता हूँ कि इसकी वहां पे जो अफरात-ए-ज़र की को काबू में ना रखने की
ये जो दो बुनियादी वजूहात हैं वो यही हैं कि जो मुतबादल ज़राए हैं जिन पे हमने अभी मैंने बात की है उन पे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और चीन के साथ तजारती हवालों से मामलात को दुरुस्त सिम्त में रखने के लिए कोई ज्यादा बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। और इसके साथ साथ जो रूस और यूक्रेन का तनाजा है इस को खत्म कराने के लिए भी कोई जो बड़े ब्लॉक्स हैं जो अमरीकी इतिहाद है उसकी तरफ से कोई मुस्बत कोशिश जो है वो देखने में नहीं आ रही है। अच्छा, मजे की बात ये, जी जी कैन साहब, आलमी अफरात ज़र का भी मसला सिर्फ अमरीका की बात नहीं है, बाकी ममालिक तक भी ये बात फैल रही है। चीन आपको लगता है कि बजाते खुद और चंद उसके जो हामी ममालिक हैं वो इस आलमी अफरात ज़र में कमी में कोई किरदार अदा कर सकते हैं कोई मुस्बत अपनी पॉलिसियों के तहत? मैं ये समझता हूँ कि चीन जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो आलमी मईशत की बहाली में अपना बहुत ही मुस्बत रोल प्ले कर सकता है, और उसके साथ साथ अमेरिका जो है वो अगर ये देखें ना, दोनों बड़ी मईशतें हैं और दोनों मईशतें जो है वो आपस में अगर अपने तजारती जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाएं और पूरी दुनिया की मईशत और इस्तेहकाम के हवाले से कोई मुस्बत सोच अपनाएं तो मैं समझता हूं कि मसाइल हल हो सकते हैं। आपको मालूम है कि अभी कुछ रोज पहले अमेरिका की जो सेक्रेटरी खजाना है उन्होंने कुछ रोज कबल जो है वो ब्लूमबर्ग टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया है, और इसमें उन्होंने अमेरिका में जो गुज़श्ता 40 सालों में महंगाई की बुलंद तरीन शरह है उसको उन्होंने नोट किया है, और ये कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के दौर में जिन चीनी दरामदात पर महसूलात आयद किए गए थे उनमें से उन्होंने ये कहा है कि कुछ मखसूस अशिया पर आयद जो टैक्सेस हैं उनको कम करने से अमेरिका में महंगाई की शरह को कम करने में मदद मिल सकती है। ये अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना का बयान है, और इसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए और जो अफरात ज़र है उसको काबू करने के लिए जो हर मुमकिन इकदाम हैं वो करने होंगे, और इसके जो मतलूबा नतायज हैं वो बरामद हो सकते हैं, और वो उनका तो कहना है उस सेक्रेटरी खजाना का कि वो इस पर गौर कर रहे हैं। लेकिन उसमें असल जो बात समझने वाली है वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिका बाइडन इंतजामिया में जो सरकर्दा शख्सियात हैं उनको इस बात का इदराक है कि अगर चीन की जो दरामदी महसूलात में अगर कमी करने से किसी हद तक अमेरिका में ये मसला महंगाई का अफराते दर का हल हो क्या नहीं सर, आप बजा फरमा रहे हैं यानी कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका में कि चीन के साथ कशीदा ताल्लुकात उनकी अपनी मईशत के हक में नहीं है, ये सिफारती ताल्लुकात की जो बर्फ है ये पिघलती नजर क्यों नहीं आती, क्या वजह, कहां पे कजी, कहां पे रुकावट कहां है? देखिए उसमें मैं ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि इसमें देखने की बात ये है कि ये अगर आप ये समझते हैं कि कुछ मखसूस जो आइटम्स हैं चीन की जो की दरामदात के हवाले से सिर्फ उन पर महसूलात कम करने से ये मसला हल हो सकता है तो मैं समझता हूं कि ऐसा शायद ना हो सके। उसकी वजह यह है कि आप इंतजामिया अमरीकी इंतजामिया को ये चाहिए कि वो जितनी भी जो चीन की तरफ से जो आने वाली दरामदात हैं उनको, और फिर जाहिर है मुतबादल चीन की तरफ से भी इसी तरह के जो रद्दअमल है उनकी तवक्को की जा सकती है कि आप बजाय इसके कि कुछ मखसूस अशिया पर दरामदी महसूलात को कम करें आपको चाहिए कि आप कुल्ली तौर पर तमाम अशिया पर दरामदी महसूलात को कम करें, खत्म करें, और जो तजारत में यानी दोनों मुल्कों दोनों बड़ी मईशतों के दरमियान चीन और अमरीका के दरमियान जो तजारती रुकावटें हैं उनको उबूर करने के बाद जो आजाद तजारत जो है उसको मजीद जो है वो परवान चढ़ाएं तब जाकर ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अमरीकी इंतजामिया का जो एक दूसरा एक जो रुख है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि दूसरी तरफ वो चीन को जो तजारत हमलात के हवाले से उसको एक टफ टाइम भी देना चाहते हैं, तो ये जो एक दोहरे मयार की एक पॉलिसी है यानी आप कुछ अशिया पर यानी कुछ मामलात में महज अपने फायदे के लिए आप चीन के साथ रियायत बरतें और बाकी जो है वो उसी तरीके से आप चीन को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरीके से मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। मसाइल ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्तों में आपको अमेरिका की मौशी सूरत हाल या अफरात ज़र में या महंगाई में कोई कमी दिखाई दे रही है ये मजीद बढ़ेगी?
मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात जो हैं ये अबतर की तरफ ही जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक पूरी दुनिया की मईशत के बड़े इंजन जो हैं अमेरिका और चीन जो है वो एक दूसरे के करीब आकर अपनी जो मईशत है उसको दुरुस्त पर नहीं रखेंगे, उस वक्त तक आलमी मईशत का पहिया जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहेगा। चीन की क्या क्या सब सूरत हाल है वहां पे, महंगाई या जो अफरात ज़रा ज़ारी बात है कि अमेरिका या दीगर ममालिक उसको टफ टाइम भी दे रहे हैं, अब दीगर मसाइल भी हैं, उसके बावजूद चीन की सूरत हाल क्या है? देखिए आपको मालूम है कि चीन की जो मईशत है वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और चीन की जो हमें 2020 में भी आप देख लें कि कोविड का जो पूरा साल था 2020 का और 2021 में बहुत हद तक कोविड पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद चीन की शरे नमू जो है वो मुस्बत अशारियों में गई है। और इसके साथ साथ फिर चीन का इनसार जो है वो सिर्फ किसी एक मुल्क पर नहीं है बल्कि चीन ने अपनी जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो कत नजर इसके कि किसी दूसरे मुल्क के साथ चीन के सियासी जो मामलात हैं वो किस नहज पर हैं। इक्तसादी तौर पर चीन हमेशा दीगर ममालिक के साथ जो है वो ताबुन का हाथ बढ़ाता है और दीगर ममालिक के साथ यहाँ तक कि भारत के साथ भी चीन की जो तजारती सरगर्मियां हैं वो उसी तरीके से जारी हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव और बड़ी मुस्बत सोच होती है कि आप अपने सियासी मामलात को अलग रखें और जो इक्तसादी और मुआशी आपके जो मामलात हैं उनको अलग होना चाहिए। इत्तेहादियों की तरफ से अमेरिका पे कोई सवाल से कोई दबाव के रशिया पर जो भेजा पाबंदियां हैं अगर वो उठा ली जाएं तो उसे मईशत को एक संभारा मिल सकता है, खासतौर पे उनकी जो ईंधन से मुतालिक जो प्रोडक्शन है और जो 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 बरामदाद है उनको ना रोका जाए? देखिए जी मुस्बत मामलात में अगर आप आगे बढ़ेंगे आप पहली बात तो यह है कि आप देखें कि ये बड़े ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में जितने भी तनाज़ात हैं उनको हल करने के लिए मुस्बत अंदाज में सोचें और आलमी मईशत के इस्तेकाम के लिए अपना रोल अदा करें। और बिलखसूस जो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है इसमें मैं समझता हूँ कि अमरीका और यूरोपियन इतिहाद जो है उसका की एक ये बुनियादी मैं समझता हूँ कि एक ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को ठंडा करने के लिए और इस मसले का इस तनाज़े का कोई पुरअमन हल निकालने के लिए अपनी कोशिशें करें। अब आप देखें ना कि ये जो तनाज़ा है ये तवालत क्यों इख्तियार करता चला जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको मालूम है कि अमेरिका की तरफ से जो है वो अरबों डॉलर के जो हथियार हैं वो यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये जो इससे तो ये जो तनाजा है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और मजीद आगे जाएगा और इस का नुकसान जो है वो न सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया को हो सकता है। ये जो आपने भी फरमाया हथियारों के हवाले से जंग हो तसादुम हो बारूद की वजह से जो एक क्लाइमेट चेंज का एक मसला है इसमें भी इजाफा होगा और बजाते खुद वो मईशत को बड़ा बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो असलहे का इस्तेमाल है इससे से भी यकीनी तौर पर जो एक तो पहले ही जो मौसमियाती तब्दीली जो क्लाइमेट चेंज का जो मसला है वो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो इन हालात में तो इस तरीके से ये जो तनाज़ात हैं और उनमें असलहे और गोला बारूद का जो इस्तेमाल है ये इस कुर्रे अर्ज के लिए जहर कातल की हैसियत रखता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इन ममालिक को चाहिए कि वो अमली तौर पर आगे बढ़ें और इस दुनिया को एक पुरअम मुल्क बनाने में अपना रोल प्ले करें। खैर सर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद होता है और वो अमली जामा पहन लेता है आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर महंगाई की कमी में तजारती सरगर्मियों की बढ़ोतरी में किस कदर इजाफा होगा, क्योंकि ये अगर इस तरह की तजादों की फजा रही तो फिर तो इस तरह के मनसूबे जारी बात है सुस्त रवि का शिकार होंगे? देखिए अगर किसी एक मुल्क की जो अमन की ख्वाहिश है या तरक्की की ख्वाहिश है या खुशहाल और एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने की ख्वाहिश है जिसमें जो इक्तसादी फवायद हैं वो तमाम बनी नौ इंसान को मिलें वो सिर्फ किसी एक मुल्क की सोच से ये मुआशरा जो है ये एक तरक्की पसंद और खुशहाल मुआशरा नहीं बन सकता। इसके लिए जरूरी है
کہ جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہ بھی مثبت سوچ اپنائیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے یہ صدر شی جن پنگ کا ایک بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور ان کا ایک 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا ویژن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایشیا افریقہ اور یورپ تک پھیلا ہوا ہے, اور اس میں تو دنیا کی جو معیشت ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول کی بھی بہت ضرورت ہے, اور یہ پرامن ماحول جو ہے یہ اسی صورت میں میسر آ سکتا ہے جب دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں جن کی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں سے ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہے, ان کا وزن ہے, اور وہ جو ہے وہ اس دنیا کو پرامن معاشرہ بنانے کے لیے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. کیانی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ کے تجزیے کا. ناظرین سامعین, محمد فیاض کیانی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے, اور ان سے ہم گفتگو آج افراط زر یا عالمی سطح پر جو بڑھتی مہنگائی ہے اس سے متعلق ہم نے کیا. اگر ہم چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو, سہولیات بڑھیں اور جو تنازعات ہیں وہ کم ہوں, تو پھر امن کو مواقع دینے ہوں گے, پھر جنگ سے روگردانی کرنا ہوگی, پھر تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو بڑھانا ہوگا, اور اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کون ہے جو تجارت کی بات کرتا ہے, جو معیشت کی بات کرتا ہے, جو مساویانی جو مواقع ہیں ان کو فراہم کرنے کی بات کرتا ہے, وہ ممالک کہ جو صرف اور صرف جنگ چاہتا ہے, اسلحے کا فروغ چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کشیدگی رہے اور اسی میں اپنے مفاد کو تلاش کر رہا ہے. درحقیقت وہ مفاد وقتی ہے, ان دا لانگ رن وہ نقصان ان کے ملک تک بھی پہنچے گا, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں. آج کے پروگرام بس یہیں تک, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہم قدم سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کہ علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر ان ڈیپتھ انالیسس سنیے اور دیکھیے پروگرام ہم قدم براہ راست